हेलो दोस्तों, मैं हूं मयूर। आप देख रहे हैं टेक वाइंस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी नई नई वीडियोस लेके आते रहता हूं। मैं हर दिन वीडियो अपलोड करता हूं, तो अगर आपको वो सारी वीडियोस को देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं GTX 1050 Ti 4GB वाले ग्राफिक कार्ड के बारे में। मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि ये ग्राफिक कार्ड किन किन प्रोसेसर्स के साथ अच्छा परफॉर्म करता है, और ये सारे प्रोसेसर इंटेल बेस्ड होंगे। तो चलिए हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ उन गेम्स की बात करूँगा जो बहुत ज़्यादा ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स हैं, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा ग्राफिक इंटेंसिव गेम। तो उसमें सबसे पहला गेम है टॉम क्लैंसी द डिवीज़न। ये गेम को हमने अल्ट्रा सेटिंग्स पे डायरेक्ट एक्स 12 में चलाया है, 1080p वाले रेजोल्यूशन में। तो हमारा ग्राफिक कार्ड है GTX 1050 Ti। आप अभी टेबल देख सकते होंगे आपके स्क्रीन पे, तो i7 6700K में इसने अल्ट्रा सेटिंग्स पे 24 FPS क्रॉस कर लिए हैं। एवरेज है 24 FPS का। और i5 में 7600K में 23 FPS, i3 7350K में 23 FPS, और बजट गेमर की पहचान Pentium G4560 में 22 FPS। मतलब अगर हम Pentium G4560 को i7 6700K से कंपेयर करेंगे तो दोनों में सिर्फ 2 FPS का ही अंतर है। मतलब गेम्स प्रोसेसर नहीं, ग्राफिक कार्ड डिमांड करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग गेम्स में से एक था जिसने पूरा 1050 को चूस लिया है। मतलब अल्ट्रा सेटिंग्स में आपको 22 FPS मिलेंगे पेंटियम में, और अगर आप i7 भी लोगे तो आपको सिर्फ 2 FPS का ही बूस्ट होगा। इसलिए पेंटियम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो हमारा दूसरा गेम है ओवर वॉच। तो इसको हमने 1080 पिक्सल्स में चलाया है, और जो कि होगा अल्ट्रा सेटिंग्स में। तो कोर i7 6700K 93 FPS देता है अल्ट्रा सेटिंग्स पे, i5 7600K 93 FPS देता है, i3 7350K ये भी 93 FPS देता है, और Pentium G4560 91 FPS देता है। तो इसमें भी कोई अंतर नहीं है, बस पेंटीएम में आपको 2 FPS कम मिलेंगे। तो भाई अब हम हमारा तीसरा गेम की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है Gears of War 4। तो मैं इसमें GTA 5 नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि GTA 5 अगर मैं लूँगा तो हमें उतने अच्छे से पता नहीं लगेगा, क्योंकि GTA 5 बहुत पुराना गेम तो नहीं, फिर भी 3-4 साल पुराना गेम हो चुका है। तो ये अभी एकदम करंट वाले ख़तरनाक वाले गेम्स में ले रहा हूँ। तो Gears of War 4 को हमने चलाया डायरेक्ट टेक्स 12 में 1080p रेजोल्यूशन में अल्ट्रा क्वालिटी वाली सेटिंग्स में। तो i7 6700K में हमें 39 FPS का एवरेज मिला, i5 7600K में भी 39, i3 7350K में भी 39, और Pentium G4560 में भी 39 FPS। अंतर आप खुद देख लीजिए कि अगर आप कोई बड़ा प्रोसेसर भी लगाते हो तो गेमिंग में अंतर नहीं आने वाला। अब हम बात करने वाले हैं हमारे चौथे गेम के बारे में, जो कि है Battlefield 1। तो इसको भी हमने चलाया है डायरेक्ट एक्स 12 में 1080p में हाई क्वालिटी अल्ट्रा क्वालिटी में। तो i7 6700 में इसने दिया है 46 FPS का एवरेज, i5 7600 में इसने दिया है 46 FPS का एवरेज, i3 7350K में इसने दिया है 45 FPS का एवरेज, और Pentium G4560 में इसने दिया है 43 FPS का एवरेज। तो अब हमारा पांचवा और आखिरी गेम है Total War: Warhammer। इसको भी हमने चलाया है डायरेक्ट एक्स 12 में 1080p में वेरी हाई अल्ट्रा क्वालिटी वाले सेटिंग्स में। i7 i5 दोनों में ये दे रहा है 39 FPS, और i3 और Pentium G4560 में ये दे रहा है 37 FPS। मतलब कोई मतलब नहीं है उतने महंगे महंगे प्रोसेसर्स खरीदने का गेमिंग में, और दूसरी चीज़ में तो बहुत अंतर है फिर। तो ठीक है, आज की वीडियो ख़त्म होने जा रही है। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नया चैनल है, सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा नाम है मयूर, आप देख रहे थे अभी तक टेक वाइंस, और नई वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।